Guys, welcome back to another vlog. So my name is Deepak and welcome back to another vlog with another video. तो आज हम लोग आप लोग को another video के साथ स्वागत करते हैं मेरे नए vlog. मतलब नए vlog में ये new vlogs है. तो हम लोग आज शादी में आए हैं सिंगीमरी साइड में खरू गाँव के. तो यहाँ पे कुछ सीन्स देखने के लिए आए हैं. देखो दिस इज ए क्वारी, मतलब यहाँ से पत्थर लोग कलेक्ट करते हैं और सेल्स करते हैं. ये पत्थर यहाँ से निकालते हैं. तो काफ़ी अच्छा अच्छा सीन्स हम लोग फुटेज ले लिया, स्लोमो ले लिया और सिनेमेटिक्स ले लिया, जो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा. तो आज अभी फिलहाल के लिए इसको मज़े लेते हैं. तो लेट्स गो एंजॉय इट. तो प्लेस का तो एक क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाने के चाहूँगा. तो ये छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग्स होगा. प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था कि ब्लॉग्स करूँ, लेकिन आज मूड हुआ कि चलो एक ब्लॉग करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जो हम लोग देखा. तो इसलिए प्रो ने बोला कि ब्लॉग करो, तो इसलिए मैं भी माइंड चेंज कर दिया तो ब्लॉग करते हैं. तो आप लोगों के सामने अभी एक सीन्स आएगा. ओके लेट्स गो. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रहा है, लेकिन ये हम लोग जो रियल आंखों में देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोग को. देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोचा कि एक ब्लॉग छोटा सा बना लो 5 मिनट का. मैंने फ़ोटो भी ले लिया, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा वो फ़ोटो. तो लाल के लिए ये थोड़ा इंजॉय कर लो आप लोग. तो मैं आप लोगों से वीडियो ज़रूर छोटा सा करके. तो लेट्स गो. घर चलते हैं. तो रास्ते में मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, यही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यार कुछ अच्छा फील आता है यहाँ आने के बाद. प्लेस काफ़ी शांत है और क्या बोल सक बोलता है इसको, कूल प्लेस है. मतलब ठंडा, बहुत जगह ठंडा है यहाँ पे. मतलब गर्मी का मौसम है ठंडा. और यहाँ कितना क्लियर वाटर अंदर जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है. ओके ओ भाई, ये जो है ना अंदर से कुछ निकल रहा है, आप लोग सही देख पा रहा होगा. देखो ये पानी यही से निकल रहा है, शायद कहीं से आ रहा होगा उधर से, लेकिन ये पानी कैसे निकल रहा है, काफ़ी साफ है और फ्रेश, मतलब एकदम फ्रेश वाटर. तो हम लोग इस फ्रेश वाटर का मज़ा भी ले लिया बहुत. और ये देख अभी आप लोग, मैं वहाँ दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्रो है सामने. तो चलो वहाँ पे देखते हैं सिनेमेटिक्स, आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो मैं एक और सिनेमेटिक्स लेना भूल गया. तो यहाँ पे पानी गिर रहा होता सबके. हम लोग उछल उछल के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो रास्ता पत्थर से बना हुआ है तो उछल उछल के जाना पड़ता है. तो ये उछल उछल के जा रहे हैं हम लोग. यार क्या सनशाइन है, देखो देख पा रहा होगा शायद, मतलब सन वहाँ से आ रहा है इसलिए फोकस नहीं ले रहा है. मतलब बहुत सन निकला हुआ सुंदर सा. अभी टाइम है 6
लोग आप लोग मेरे घर ही देख सकते हैं, 6 मतलब अभी 6 बज गया है। तो काफ़ी सुबह हम लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी मज़ा आया इस जगह में आके, काफ़ी शांति फील हुआ। अगर आप लोग कभी यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, ये प्लेस फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी शांत प्लेस, खाली जगह और पीसफुल, किसी का आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिटी नहीं, ट्रैफिक नहीं, गाड़ी का हॉर्न नहीं, पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन लेस, शांति, बस जैसे पक्षियों का आवाज़ आप लोग सुन पा रहा होगा, इतना अच्छा लग रहा है यार। ये पीपल का पेड़, ओके। तो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो ये पत्थर इकट्ठ करके यहाँ पे रखते हैं और उसको बेच के मतलब रोजगारी करते हैं। तो यहाँ का लोग जो होता है पत्थर का रोजगारी ज़्यादा करता है। हाँ, आज मतलब इतनी सुबह कभी उठता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर घर में होता तो 8 या 9 बजे तक तो सोते ही रहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग शादी में आए हैं, बराती आए हैं हम लोगों के। तो बराती के लिए क्या होता है कि नींद तो भूल जाओ, प्लस आराम का तो छोड़ दो, ओके। तो बराती कैसे होते हैं, वो जो बराती आता है ना हम लोग के गेस्ट में, उसको अच्छे से पता होगा। तो नींद तो आज आया या नहीं आया कुछ पता भी नहीं है, और प्लस कोई चैन नहीं है, मतलब लोग हल्ला करते थे, दोस्त लोग करते हैं कि चील करते, कोई हल्ला करते, कोई खेलता है, तो इसलिए तो आज सूरज का वो, इसका एक फ़ायदा भी है, सूरज जो होता है ना सबसे पहले आप देखने को मिलते हैं सबसे पहले, तो यही अच्छा लगता है सबसे पहले। तो थैंक यू इतना अच्छा प्लेस दिखाने के लिए, मानिक भाई का शादी, ओके। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं आज घूमने के लिए, बस उसके वजह से, नहीं तो ये जगह हम लोग कभी देखता भी नहीं। तो एक नई नई जगह प्लेस देखने का एक जरिया भी होता है बारात आना, नई नई जगह, और बॉयस आप लोगों के लिए, ओके, लड़की पसंद करने के लिए भी बाराती में भी आना पड़ता है, ओके। शायद मजाक बहुत कर लिया होगा मैंने। तो अभी चलो हम लोग जा रहे हैं अभी जहाँ पे शादी है, तो ब्लॉग में इन करूँगा, वहाँ पे मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि शर्म बहुत आता है मुझे, स्पेशली यहीं पे ब्लॉग इन करना पड़ेगा। तो लोगों के सामने मुझे ब्लॉग करने में अभी भी शर्म आता है, इसलिए मैं लोगों के सामने ब्लॉग नहीं करता हूँ, पब्लिक प्लेस में ब्लॉग नहीं कर सकता हूँ। ये क्या करूँ अभी यार, शर्म आता है यार। तो ठीक है, बाय बाय। कहाँ से हम लोग चल के आ रहा है, ये देख जगह तो मतलब मस्त है, शान से जीव है, सबको पता होगा ये क्या है, और आप लोग मतलब ये जो आवाज़ है वो सुन पा रहा होगा, कितना नेचर का कितना सुंदर साउंड है। भाई प्योर नेचर का साउंड है, इतना प्योर नेचर का साउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा, लोगों को ब्लेस के सिवा इतना प्योर नेचर का साउंड और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ओके। तो यार काफ़ी अच्छा नेचर का साउंड है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड की तरह है, मतलब सिर्फ पत्थर जमा हुआ है, ओके, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ना आप लोग, ये आइलैंड की तरह मतलब बना हुआ है, लेकिन पानी यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है छोटा सा, लेकिन ये पत्थर से बना हुआ है, पत्थर पहाड़ मतलब यहाँ पे सिर्फ पत्थर रखा हुआ है और ये पैर उगे इसलिए पत्थर दिखाई नहीं दे रहे, बराबर पत्थर है, ओके। तो मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको, रुको, ये साइड यहाँ पे जो पत्थर वहाँ से निकाल ले, ओ नहीं 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 साइड ये जो काम कर रहा होगा तो पत्थर यहाँ पे रखा करता होगा साइड, तो इसलिए ये पत्थर का मतलब ये बन गया, पत्थर यहाँ पे जमा करके रखता होगा पहले, फिर ये काम स्टार्ट करता होगा, तो तभी इसके उसी की वजह से ये पत्थर यहाँ पे जमा हो गया और ये फाइनल में ये हो गया। तो कैमरा मैंने पानी में डुबा लिया, ये भाई लोग है, ओके, ये भाई, ये ब्रश दिखाओ ना, चलो चलो, मतलब ये प्योर नेचर का ब्रश है, नेचुरल ब्रश, ये इससे ब्रश करेगा तो आपका दांत मतलब ये टिचो होते कभी, तो ये स्पेशली ब्रो के सवार कोई नहीं बता सकता, बता कृपया करके आप बता दें, ये ऐसा ब्रश है मतलब जो आपके दांत को मतलब स्ट्रांग भी बनाएगा और साफ भी रखेगा और पूरा ये हाइजीनिक भी है, नेचुरल है, लोकल एरिया में मिलता है,
उसके से और कहीं नहीं मिलेगा। लोकल ब्रश, लोकल। तो सुना होगा कि आप लोग भी यूज करने की कोशिश कर लेंगे, आप लोगों को और नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ आना पड़ेगा। बाय बाय। प्लेस प्लेस या इस प्लेस एरिया में यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये मिलेगा। ओके, तो ये जो सीन हम लोग अभी देख के आए हैं, तो ये लोग पागल हो गया है, तो फिर से देखने के लिए जा रहा है, तो उन लोग को जाने दो, हम लोग जा रहे हैं वहाँ। यार ब्लॉग में 5 मिनट का बोला था लेकिन बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये सैमसंग M31S से शूट कर रहा है ओके वीडियो। तो क्या क्या ये मोबाइल वाटरप्रूफ टेस्ट किया हुआ है ओके, तो क्या हुआ, मैं वाटर टेस्ट के लिए इसको पानी फ़ोटो खींचने के लिए, मतलब आप लोगों को मैं वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा, तो फ़ोटो खींचने के लिए पानी अंदर कैमरा मोबाइल डाला, फ़ोन डाला, उसके बाद मैंने उठाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मतलब कैमरे में क्या मतलब फॉक्स अंदर आ गया, पता नहीं ये कंपनी क्या कर रहा है, ये लोग वाटर प्रूफ बोल के पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बस वो कैमरे के जो अंदर है लेंस के अंदर थोड़ा सा पानी का जो वो फॉक होता है वो चला गया, तो पता नहीं क्या है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी क्या है। चलो मैं एक दूसरा मोबाइल फ़ोन से वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ओके, ठीक है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मेरे को। ये देखो ये जो लेंस है ना, तो मतलब दिख सक रहा, मतलब ये अंदर में थोड़ा थोड़ा पानी घुस गया ओके, फोकस लो, फोकस फोकस, हाँ ये देखा, ये इसका नतीजा है, पता नहीं इसके अंदर फॉग जम गया, पानी घुस गया, पता नहीं। मैं अपना वीडियो यही एंड करना हूँ, बस यही था, तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो नीचे यहाँ पे एक बेल आइकन मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और सबसे पहले उसको ग्रे कर दो, ग्रे करके उसमें ऑल एक्स मतलब साइन आएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर देना ओके, ऑल पे सेलेक्ट करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके आपके पास सबसे पहले मिले। तो आज इतना ही, तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ ब्रो, तो बाय बाय सबको, ओनली नॉट ए ब्रो के सबको, बाय। वाटर टेस्टिंग 1 2 3 गो, देख लो, देखो देखो कोठा ऑन बोर्ड है, माइक्रोफोन ऊपर है, ইন অন 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 কিটা দেখা দেখা।